गीतकार गुलजार यांनी एबीपी न्यूजच्या एका मुलाखतीत लतादिदींसोबतच्या आठवणींचे काही किस्से सांगितलेले होते, ते आपण ऐकूया आणि मग पुन्हा एकदा आपण जाणार आहोत श्रीधर फडके यांच्याकडे. आपण ते किस्से आधी ऐकूया. पंचम के साथ गाना था, कर रहे थे हम, तो पंचम को एतराज था, कहने लगे कि देखो देखो ये लफ्ज लता नहीं गाएंगे. तो दीदी कहते थे ये लफ्ज दीदी को एतराज हो, शी विल नॉट लाइक इट. तो क्यों? गाना था जिसमें लाइन आती थी, आपकी बदमाशियों के ये नए अंदाज हैं, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, उस गाने में कहीं आता था. सुना नहीं बदमाशी हो चुके. तो मैंने कहा देखो तुम अपनी हिंदी की नॉलेज छोड़ दो, लता जी की हिंदी की नॉलेज तुमसे बेहतर है. तो सर नहीं नहीं वो नहीं सी ऐसे लोग के मैं इसका ऑप्शन तुम्हारे लिए बना के रखता हूँ, तुम्हें दे देता हूँ लफ्स, लेकिन लेट मी टॉक टू हर जिस वक्त रिकॉर्डिंग पे होंगे. तो उसने रिहर्सल करवा रहा था, जब रिहर्सल करते हुए उस लाइन पर आया तो उसने कहा दीदी ये, तो मैं कहा लता जी ये लाइन है आपकी बदमाशियों के ये नए अंदाज हैं, तो इस पंचम को ये फीलिंग है कि ये शायद लफ्ज आपको नहीं है. तो हंसी जोरते कहेंगे यही तो एक नया लफ्ज मिला मुझे गाने में, ये कभी किसी ने नहीं इस तरह से कहा. एंड शी सैंग इट विद द सेम फील कि वो हंसते हुए. मैं तो उनकी तरह से नहीं न गा सकता हूँ ना बता सकता हूँ, लेकिन उन्होंने वो उसको उसमें गाने में एक नया अंदाज पैदा कर दिया उस लफ्ज में भी कि आपकी बदमाशियों के ये नए, तो यूँ हंस के गाया उन्होंने. हाँ, हाँ. जो आए थे लता जी वाज केपेबल ऑफ डूइंग. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.